हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। हम आज आपको लक्ष्मी रोड मार्केट दिखाएंगे। ये हम लक्ष्मी रोड मार्केट में आ गए हैं। ये यहाँ का दगड़ूसेठ मंदिर है। दगड़ूसेठ मंदिर यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें बहुत भीड़ लगती है, यहाँ पे जाम लग जाता है। जाम की स्थिति हो जाती है जब ये मंदिर शाम को ही खुलता है, तो ये देखे कितनी भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है। हम अंदर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये दगड़ूसेठ मंदिर की तरफ से ही ये लक्ष्मी नगर रोड मार्केट शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हम जा रहे हैं लक्ष्मी नगर रोड की। आप मार्केट देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है ये। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मार्केट के अंदर। ये स्ट्रीट मार्केट भी है और बड़ी बड़ी दुकानें भी है। इधर हम स्ट्रीट मार्केट की तरफ घूम रहे हैं। अभी आपको अंदर भी दिखाएँगे। ये देखिए हम अंदर को जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सब तरह के कपड़े मिलते हैं। काफ़ी गरीबों का भी मार्केट है। यहाँ पे कम रेट के भी सामान मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा हाई रेट के भी सामान मिल जाएगा। स्टैंडर्ड का और लो क्वालिटी का दोनों टाइप का सामान आपको मिल जाएगा। और ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। चलना भी मुश्किल हो जाता है। सैटरडे संडे में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। कुर्ती वगैरह या स्ट्रीट मार्केट भी है। कहीं कहीं स्ट्रीट मार्केट है, आगे को लगा रखा है स्ट्रीट मार्केट और पीछे को बड़ी दुकानें हैं। ये हम यहाँ पे थोड़ी पिन वगैरह खरीद रहे थे बालों में लगाने के लिए। यहाँ पे ज्वेलरी खरीदी थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आपको वही 40 रुपीज़, 30 रुपीज़, 10 रुपीज़ से लेके आपको 200-250 तक का भी आपको सामान मिल जाता है यहाँ पर। बहुत अच्छी सब चीज़ें मिल जाती हैं। और ये यहाँ का प्रसिद्ध मार्केट है। काफ़ी भीड़, ये काफ़ी ह्यूज मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है ये। हम लोग यहाँ पे अक्सर आते हैं। आज हमने सोचा आपको दिखाएं, तो हमने वीडियो बना ली छोटी सी आप लोगों के लिए। ये पटरी मार्केट है, बच्चों का मिल रहा है और बड़ों का भी मिल रहा है। सब सामान यहाँ पे मिल रहा है। ये बड़ी दुकानें वो साइड में आपको दिख रही हैं, बड़ी दुकानें हैं सड़क पर। और इधर ये पटरी मार्केट लगा रखा है 100-150। ये यहाँ पे मैक्सी मिल रही। यहाँ से हमने दो मैक्सी खरीदी थी। ये देखिए 200-200 रुपये की खरीदी थी मैक्सी हमने, दो यानी 400 की दो मैक्सी खरीदी थी। और नाइटी रात को पहनने के लिए। और ये देखिए ये कमीजें मिल रही, ये भी काफ़ी सस्ती हैं। और ये यहाँ पे आपको हल्दी मेहंदी का सामान मिलता है और रिंग सेरेमनी के लिए भी यहाँ पर सामान मिल जाता है। रिंग सेरेमनी के लिए अंगूठी वगैरह, रिंग वगैरह रखने के लिए प्लेटें भी मिल जाएंगी आपको। ये देखिए यहाँ पे आइए, यही एरिया है जहाँ पे काफ़ी मिलता है सामान। और ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब सामान मिल रहा है। ये बच्चों के कपड़ों की दुकान है। ये बड़ी, ये हाई मार्केट है इधर वाला। इधर साइड में पटरी का मार्केट लगा है और इधर अंदर को हाई मार्केट है। ये पटरी मार्केट भी दिख रहा है आपको और हाई मार्केट भी साथ साथ ही चल रहा है सब कुछ। जिसको पटरी का सामान खरीदना है पटरी का खरीदे, हाई स्टाइल का खरीदना हाई फाई स्टाइल का खरीदे। ये देखिए ये कुर्ती वगैरह मिल रही है। काफ़ी बड़ी बड़ी मार्केट है यहाँ पे कुर्ती वगैरह की। ये स्ट्रीट मार्केट है, इधर स्ट्रीट मार्केट, इधर हाई मार्केट। काफ़ी अच्छा कलेक्शन रहता है यहाँ पे स्ट्रीट मार्केट में। आप डेली यूज के सामान खरीद सकते हैं, यूज एंड थ्रो वाले। और हाई मार्केट में आप अपने इकट्ठे करने वाले कपड़े कलेक्शन आप बना सकते हैं अच्छे। यहाँ पे भी मैक्सिमम देख रहे थे, ये सब 100-150, 200-250 हर तरह की मैक्सी है। हमने तो बार्गेनिंग करी थी, 250 की मैक्सी दे रही थी तो 200 रुपये में खरीदी थी हमने ये। यहाँ पर देखिए सामान मिल रहा है, हर तरह का सामान यहाँ पे। गर्ल्स मार्केट, गर्ल्स का सामान है ये। ये जो है बैक पेन ले रहे हैं बच्चे। ये देखिए ये स्ट्रीट है, इसमें बहुत सारा ज्वेलरी का सामान मिलता है, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सामान। हम लोगों ने भी यहाँ से कुछ सामान लिया था, वही देख रहे हैं हम लोग भी। हम लोगों ने वहाँ से एक ज्वेलरी ले ली थी और अब आगे जा रहे हैं।
ये भी ज्वेलरी का ही मार्केट है। अभी ज्वेलरी का ही मार्केट, ये वाली लाइन में पूरी ज्वेलरी ज्वेलरी मिलती है। अंदर को है थोड़ा, ये लेन है एक अंदर को, उसमें देखिए सब तरह का सामान मिल रहा है। चीप रेट ही है, ज़्यादा हाई रेट नहीं है। ये तो पटरी मार्केट है तो ये हल्का ही है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। 40, 50, 100, ये हम लोग 200 की 6 अंगूठी लाए थे। ये देखिए दोस्तों, 200 की 6 अंगूठी, 6 पीस ऑफ अंगूठी, कोई भी ले लीजिए रिंग 6 पीस तो हम लोग भी ले आए थे। यहाँ पे 100-100 रुपये का टॉप खरीदे थे, 250 का था, कोई 100 का था, हमने 200-250 के टॉप खरीदे थे, 100 रुपये का टॉप खरीदा था। ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टॉप्स, काफ़ी अच्छे मार्केट है ये। यहाँ पे शादी विवाह हर तरह का सामान आप खरीद सकते हैं। ये देखिए टॉप्स हैं, ये 200-250 के ही टॉप हैं, ये सारे जितने भी लगे हैं, और कोई कम भी है, 200-250 के ज़्यादा हैं, 100-150 के भी हैं, लेकिन वो कम है। ये यहाँ पे साड़ियाँ मिल रही हैं, साड़ियाँ यहाँ काफ़ी महंगी महंगी मिलती हैं, यहाँ पे लोग बहुत साड़ी पहनते हैं। ये हमने ख़रीदा था एक टॉप, 150 रुपये का टॉप लिया था, ये डेली यूज़ में पहनने के लिए अच्छा टॉप है ये। यहाँ पे स्ट्रीट में ये टॉप बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, हम लोग ले रहे हैं टॉप, 3-4 टॉप लिए थे हम लोगों ने। और ये दूल्हा वाली दुकान आ गई है, यहाँ पे पर्स वर्स की दुकानें, बड़ी दुकानें काफ़ी। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, इधर भी दूल्हा वाली, दूल्हा सजाने की दुकानें, ब्राइड एंड ग्रूम का सामान खूब मिलता है यहाँ पे। यहाँ पर शादी से संबंधित सारी शॉपिंग लोग करने आते हैं। ज्वेलरी मार्केट भी है साथ साथ, ज्वेलरी मार्केट भी है इसमें, कहीं कहीं बड़ी बड़ी ज्वेलरी की दुकानें भी आपको नज़र आएंगी। ये यहाँ पे तौलिया, कपड़े, चादर वगैरह बेचते हैं, ये दुकानें कॉर्नर से दुकान है ये। अब ये सड़क पर ये बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं सामने। हम लोग यहाँ पे थोड़ा समय बिताते हैं, कभी कभी आ जाते हैं घूमने के लिए, और यहाँ से सामान ले जाते हैं। ये हम लोग सड़क पार कर रहे हैं, सड़क पार करके दूसरी ओर जा रहे हैं, दूसरी ओर भी काफ़ी मार्केट है। ये जिधर भी आप घूम जाइए उधर ही को मार्केट, चारों तरफ से मार्केट ही मार्केट है। ये यहाँ का चौराहा है, बहुत व्यस्ततम चौराहा है। देखिए बसें भी चलते हैं यहाँ पे, बस से भी जा सकते हैं, 10 रुपये सार लेती हैं, हमें पक्का पता नहीं लेकिन लोग बताते हैं 10 रुपये लेती है बस, कहीं के लिए भी, कहीं पे भी डेस्टिनेशन जाने के 10 रुपये हैं शायद चार्ज। ये रिबन्स की बहुत, रिबन्स नाम से है, बच्चों की दुकान है, ये रिबन्स है बहुत बड़ी है, सब बच्चों के सामान मिलते हैं, चिल्ड्रन शॉप है पूरी। ये यहाँ की साइड में देखिए आप, बालाराम मार्केट है इसका नाम, बालाराम मार्केट। इधर को आप चले आइए, देखिए कितनी भीड़ है, कितनी बाइक्स आपको दिखाई पड़ी होंगी, बाइक्स ही बाइक्स बाइक्स ही। यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग भी है, पार्किंग जो है मल्टी लेवल भी है, अंडरग्राउंड भी है, लेकिन उस पार्किंग में कभी कभी जगह भी नहीं मिलती है, इतनी भीड़ हो जाती है। हम लोग तो 3-व्हीलर से आना पसंद करते हैं, यहाँ आप ओला उबर बुक करके आइए या 3-व्हीलर से, क्योंकि पार्किंग की समस्या यहाँ बहुत है। एक जगह वो छोड़ देते हैं ओला उबर वाले, फिर अपने घूमते रहो घूमते रहो, जब आपको घर आना है तो ओला उबर पकड़ के या आप 3-व्हीलर पकड़ के अपने घर आ जाइए। ये चप्पलें यहाँ पे, ये कोल्हापुरी चप्पलें यहाँ बहुत मिलती हैं, यहाँ से हमने चप्पल खरीदी थी तो कोल्हापुरी चप्पलों के, यहाँ पे कोल्हापुरी चप्पलें मशहूर हैं इधर की तरफ। ये देखिए ये सामने बहुत ट्रैफिक भी रहता है इस वाले में, और साइड में बना हुआ चलने के लिए, अंदर नहीं ट्रैफिक रहता है, चलने के लिए बनी है, रेलिंग लगी हुई है, अंदर ही अंदर चलिए आप आराम से,
उसमें पैदल ही चलना पड़ता है। मस्तांगना नाम है ये दुकान का, देखे। और ये देखे, ये भी दूल्हा वाली दुकान है, दूल्हा सजाने वाली। ये साड़ियाँ मिल रही हैं, साड़ी की बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे। सारी शादी वगैरह की साड़ियाँ सब यहीं से लोग खरीदते हैं आके। हाई फाई कपड़े हैं थोड़े, ये साड़ी की दुकान है। ये हमने सूट देखा था यहाँ पे, 3000 रुपये का सूट दे रहा था, पूरा सूट था, लेगिंग और वो प्लाजो भी था किसी में लगा हुआ। ये देखिए दुकान है, बड़ी बड़ी मार्केट, बच्चों का है इसका पूरा, ये भी बच्चों का ही है। ये साड़ियाँ बिक रही हैं। ये देखिए उस साइड में बड़ी बड़ी कजरी, कजरी बहुत बड़ी दुकान है यहाँ पे साड़ियों की, साड़ी लहंगा ये सब मिलता है कजरी में। ये बहुत बड़ी सूट की दुकान है, सूट्स मिल रहे हैं। ये यहाँ से हमने सूट्स खरीदने चाहे थे, हमें ज़्यादा पसंद नहीं आए सूट, बड़े बड़े प्रिंट के थे सूट, तो वो हमने लिया नहीं, पसंद नहीं आए, देखने गए थे अंदर हम। ये देखिए कितनी मार्केट अच्छी है, दिन में तो यहाँ उतनी अच्छी नहीं लगती है ये मार्केट, क्योंकि रात में जो लाइटिंग वगैरह के साथ ये मार्केट काफ़ी अच्छी लगती है। ये प्लाजो सूट सब मिल रहे हैं, ये देखिए। ये दूल्हा का घर है, दूल्हे वाले सब जाते हैं लेने के लिए सामान, जिन्हें शादी के पर्पज से सामान खरीदना होता है। ये सर बहुत ही सुंदर मार्केट है, और सस्ता भी है महंगा भी है। आपको बड़े शोरूम में जाएंगे तो महंगा होगा, लेकिन ये लोग ज़्यादा बड़े शोरूम वाले ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत कर देते हैं कम, लेकिन उतना नहीं कि बहुत आधा आधा कम करते हैं। लेकिन स्ट्रीट वाले तो आप समझिए, आप अपने हिसाब से। ये सामने 1 ग्राम ज्वेलरी की दुकान है, 1 ग्राम सोने की गोल्ड, 1 ग्राम सोने की गोल्ड वाली दुकान है यहाँ पे, गोल्ड ज्वेलरी मिलती है 1 ग्राम सोने की। तो ये चप्पलें मिल रही हैं कहीं कुछ के, खाने पीने की भी स्ट्रीट में लगी रहती हैं थोड़ी दुकानें, अब लोग खा के कोई चना जोर गरम खाता है। ये 1 ग्राम ज्वेलरी की दुकान है। ये ब्लाउज मिल रहे हैं स्ट्रीट वाले ब्लाउज, से हम लोगों ने 2 ब्लाउज खरीदे थे। ये हम लोग जा रहे हैं आगे, सारी मार्केट एक्सप्लोर करना तो मुश्किल है यहाँ की, क्योंकि इतनी बड़ी दुकान, इतना बड़ा है ये मार्केट, जिधर मुड़ जाओ उधर ही मार्केट है, जिधर मुड़ जाइए उधर ही मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है ये कि एक्सप्लोर करना तो मुश्किल ही है। लेकिन किसी को पुणे आना और कोई मार्केट देखना चाहे तो लक्ष्मी रोड मार्केट आ जाए, दगड़ू सेठ मंदिर है यहाँ का मशहूर, उधर ही से रास्ता है पैदल, दगड़ू सेठ मंदिर से पैदल भी आएंगे तो वहाँ से सारी मार्केट शुरू हो जाती है, और इसका कोई अंत ही नहीं है कहाँ तक है ये, जिधर चाहिए उधर ही दुकानें हैं, उधर ही मार्केट है पूरा। आजकल मार्केट बता रहे हैं लोग 9-10 बजे तक ही बंद कर देते हैं, 9-9:30 पे सारे शटर। ये यहाँ पे पपेट बेच रहे हैं, ये पपेट स्ट्रीट है, पपेट बेच रहे हैं ये। ये यहाँ पे बहुत खाते हैं कटहल, पका हुआ कटहल खाते रहते हैं लोग। और ये देखिए मार्केट, कोई पुणे आया उसे पता ही ना हो कि कौन सी मार्केट घूमनी है तो लक्ष्मी नगर मार्केट आ जाए, लक्ष्मी रोड, लक्ष्मी रोड कह के आ जाएंगे, मार्केट ही मार्केट है ये पूरा, मार्केट भरा पड़ा है चीज़ों से। कम बजट वालों के लिए भी सामान है, अधिक बजट वालों के लिए सामान है,
हमने यहाँ से ब्लाउज़ लिए थे। ये ज्वेलरी की दुकान है, बड़ी बड़ी ज्वेलरी की दुकानें बनी हुई हैं, काफ़ी अच्छा कलेक्शन रहता है इनके पास। यहाँ पे हम लोग खाने पीने आए हैं, थक गए थे अब हम लोग थक गए थे तो बैठ करके खा रहे थे। ये टी कॉफ़ी सब कुछ मिलता है इसमें, कोल्ड ड्रिंक्स, टी कॉफ़ी। हम लोग ने बर्गर खाया था।